नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। अक्सर आपने देखा होगा कि जिम में वर्कआउट करते हुए कई लेडीज भी वेट लिफ्टिंग और वेट स्ट्रेंथनिंग करती हैं और भारी भारी डंबल उठाती हैं। ये देखकर क्या आपके मन में भी ये सवाल उठता है कि जो लेडीज वेट लिफ्टिंग करती हैं या भारी भारी वजन उठाती हैं उनकी बॉडी मस्कुलर हो जाती है? जी हाँ, और उनके भी बाइसेप ट्राइसेप और हैवी मसल्स बनने लगती हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो हम आपको बताते हैं कि क्या ऐसा वाकई है या इसके पीछे कुछ लॉजिक छुपा है। चलिए शुरू करते हैं। इस पर जब हमने कई डॉक्टर की राय जानी तो सामने आया कि जो महिलाएं वेट लिफ्टिंग सिर्फ इसलिए छोड़ देती हैं कि उन्हें लगता है कि इससे उनकी बॉडी मस्कुलर और मर्दाना हो जाएगी, तो वह ऐसा सोचना छोड़ दें, आज ही छोड़ दें, क्योंकि वेट लिफ्टिंग करने से महिलाओं की बॉडी मस्कुलर नहीं होती है। जी हाँ, दरअसल पुरुषों और महिलाओं के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अलग अलग होते हैं जो हमारी बॉडी बनाने का काम करते हैं। पुरुषों में 270 से लेकर 1070 NGDI और महिलाओं में 15 से 70 NGDI टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होते हैं। जी हाँ, अगर आप भी ये सोचकर परेशान हो रहे थे तो अब ये सोचना आज ही छोड़ दें। क्या आप जानती हैं कि वेट लिफ्टिंग करने से आपकी फिजिकल अपीयरेंस और ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, ना कि ये आपकी बॉडी को मस्कुलर बनाता है। हालांकि रनिंग, वॉकिंग और जॉगिंग से कई ज्यादा इफेक्टिव वेट लिफ्टिंग ही होती है, वहीं अगर आप जिम जाकर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो निश्चित होकर वेट लिफ्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी को लीन बनाने के साथ टोन्ड करती है। जी हाँ, आज भी कई लोगों का मानना है कि महिलाओं को वेट लिफ्टिंग नहीं करनी चाहिए और ना ही ज्यादा वजन उठाना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादा वजन उठाने से महिलाओं के शरीर को कुछ नुकसान पहुंच सकता है। आप में से भी कई लोगों ने ये कभी ना कभी जरूर सुना होगा। यही कारण है कि जिम जाने वाली या रोजाना वर्कआउट करने वाली महिलाओं में से भी ऐसी बहुत सी कम महिलाएं हैं जो वेट लिफ्टिंग करती हैं। लेकिन आपको बता दें कि वेट लिफ्टिंग करने से महिलाओं को कई प्रकार के फायदे भी मिलते हैं। जी हाँ, एक रिसर्च से पता लगा कि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में ज्यादा चर्बी होती है और इसलिए उनके लिए भी एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी हो जाता है। बता दें कि बढ़ते वजन को कम करने के लिए वेट लिफ्टिंग बेहद जरूरी है और इसकी मदद से आप जितना मर्जी चाहें वेट कम कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आप मोटापे को दूर करने के लिए वेट लिफ्टिंग करने का सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अगर आप बढ़ते वजन से परेशान हैं और एक्सरसाइज या फिर डाइट से भी इतना कोई खास शरीर पर फर्क नहीं नजर आ रहा तो आप अपनी एक्सरसाइज में वेट लिफ्टिंग भी शामिल कर सकती हैं। वेट लिफ्टिंग से अधिक चर्बी को दूर किया जा सकता है। जी हाँ, इसके साथ ही इसे कई बीमारियों को भी दूर करने में आप देखेंगी, आप वेट लिफ्टिंग शुरू करेंगी उसके बाद आपकी बीमारियां भी आपके शरीर से चुमंतर हो जाएंगी। आजकल महिलाएं डायबिटीज और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों से पीड़ित पाई जाती हैं। वेट लिफ्टिंग शरीर में रक्त संचार में सुधार करता है और साथ ही इसे डायबिटीज व कई बीमारियां होने का खतरा भी कम हो जाता है। इसके आपकी मानसिक समस्याएं भी इससे दूर हो जाती हैं और आत्मविश्वास, चिंता जैसी समस्याओं को दूर करने में भी मदद मिलती है। वेट लिफ्टिंग एक काफी अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है। इसके अलावा वेट लिफ्टिंग करने से आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, मानसिक स्थिति भी ठीक होती है, लेकिन हम देखते हैं कि जिस तरीके से महिलाएं अपने आप को
कई ऐसी बातें सुनकर कई चीजों से दूरियां बना लेती हैं, वेट लिफ्टिंग हो, जिम जाना हो, या फिर कई ऐसी एक्सरसाइज जो उन्हें लगता है कि उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी, तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप इन अफवाहों पर बिल्कुल भरोसा ना करें, क्योंकि वेट लिफ्टिंग आपके डिप्रेशन की समस्या से भी निजात दिलाती है, आपकी फिटनेस के साथ साथ आपकी मेमोरी पावर को भी बढ़ाती है। जी हाँ, ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।